बिसमिल्ल रहा हूँ वाली राम के साथ मेफार का आदमी और अगले चौबीस से अड़तालीस घंटों में क्या होने जा रहा है दौड़े क्यों लगी हुई है भगदड़ क्यों मची हुई है और क्यों तमाम अरकान इसम्बली को इस्लामाबाद में गैदर किया जा रहा है एस सी ओ कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही हुकूमत क्या करने जा रही है मामला आरिया पार्क है इसके अलावा इमरान खान के हवाले से एक बड़ी ख़बर अडयाला जेल से आ गई है वह ख़बर क्या है इमरान खान के साथ क्या किया जा रहा है उनके साथ हो क्या रहा है और डॉक्टरों ने उनके बारे में क्या बताया है खबरें तशवीशनाक है जमा भी कह रही है कि इमरान ख़ान के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं मिल रही तो इमरान खान के साहब का बीवी भी लंदन में उनकी सॉल्टी कन्फाइनमेंट के ऊपर चीखों पुकार कर रही है इसके अलावा तहरीकन साहब के अंदर घुमसान का रन पड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ दस्तो गिरबान होने और एक दूसरे के ऊपर तान वशनी और तबरे भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है अली बिन गंडापुर और हमाद अजहर में जबरदस्त तूत हुई है और एक दूसरे के ऊपर भगोड़ा होने के इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं तलबा ज्यादती केस में जरताज गुल की बहन शबनम गुल का नाम क्यों आ रहा है और एहतजाज के दौरान आज़ादी के नारे क्यों लगाए गए क्या बंगाली तहरीक पाकिस्तान के तलबा को अट्रैक्ट कर रही है उन पर असर कर रही है इसके अलावा टिकटॉक ने पाकिस्तानी को एक बड़ा झटका दे दिया है मौलवियों ने इंसार बासी के चैनल की आमदनी बंद करा दी है ये मामला क्या है ये आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं इमरान खान के हवाले से जब किसी शख्स के तमाम रबते काट दिए जाए और ये मालूम ना हो कि वो किस हाल में है कहाँ पर है आ, किस कैफियत में है तो फिर इस कैफियत को गुमशुदगी कहते हैं तो तहरीक इंसाफ के लोग समझते हैं इमरान खान लापता है गुमशुदा है उन्हें इस्टब्लिशमेंट ने गायब कर दिया है तो उनका ये प्रोपोगंडा भी नाकाम हो गया है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अलीमिन गंडापुर की गुमशुदगी के केलाना कराए जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से आज डॉक्टरों की मुलाकात कराई गई है और ये वही डॉक्टर हैं जो कि रूटीन में चेकअप करते हैं जरा क्या कहना है कि पी अस्पताल के दो डॉक्टरों ने इमरान ख़ान का मायना किया और उसकी रिपोर्ट अडयाला जेल के हुकाम को दे दी है रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इमरान ख़ान ठीक ठाक हैं वर्जिश कर रहे हैं और उनका खाना पीना ठीक है जबकि शौकत हानम अस्पताल के सी डॉक्टर आसम हसैन को भी इमरान ख़ान से मुलाकात के लिए कॉल किया गया था आ, लेकिन उनको कई घंटे इंतजार कराया गया और जिसके बाद वो वापस चले गए और कुछ देर के बाद फिर उन्हें दोबारा बुलाया गया बाजार कहते हैं कि उन्होंने भी इमरान ख़ान का चेकअप किया है जबकि पीटीए टी की जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर उन्होंने आ, बताया कि शाम तकरीबन चार बजे एक ई और एक तिब्बी माहिर ने अडयाला जेल में खास साहब से मुलाकात की है और इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक है उनकी रिपोर्ट जैसे ही मिलेगी वो पब्लिक से शेयर कर दी जाएगी पी ने ऑफिशियली इस बात का ऐलान कर दिया कि इमरान ख़ान जो है वो ज़िंदा है खैरियत से है सेहतमंद है वर्जिश कर रहे हैं खा पी रहे हैं उनकी आँख नाक कान गला और दीगर जो हवादार रस्ते हैं वो सब बिल्कुल ठीक ठाक है वो देख सुन सकते हैं इस मामले पर आज पी की जो क़्यादत है वो खामोश रही इंतज़ार करती रही कि कब इमरान ख़ान की मुलाकात होती है और जो पीटीए के वर्कर के वर्कर रहे हैं वो नई पीटीए के क्याम की बातें कर रहे हैं जो इनके यूथ यूबर्स हैं जो बाहर बैठे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा क़्यादत है ये कंप्रोमाइज़ है ये बिक गई है तो अब एक नई पीटीआई बना लेनी चाहिए और उस पीटीआई को इमरान खान लीड करे और बाकी की जो पीटीआई है वो पंजाबी में कहते हैं खसमान नाए पाकिस्तान तरीकान साफ़ की सियासी कमेटी का जो रात जे इजलास हुआ उसके हवाले से बढ़िया हम ख़बर जो आज मीडिया में जेर गर्दिश है वो ये कि अली बिन गंडापुर हमाद अज़हर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ है और ऐसी लड़ाई हुई है जैसी सोतनों में होती है अली बिन गंडापुर जो है वो एहताज़ मोखर करने के हक़ में थे वो कह रहे थे कि ये मामला ऐसा नहीं है कि एस सी हो रही है और पूरी दुनिया की तोज् है तो हम इस दौरान जो है वो इस्लामाबाद को जो है मैदान जंग बना दें लेकिन हमारे दे ने इसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि एस सी के दौरान एहत करना चाहिए आ, ये हमारे लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तो अली बिन गंडापुर ने कहा कि आप ख़ुद तो छुपे हुए हैं रुपोश है ग़ायब है मंदिर याम पर नहीं आते आ, कहते हैं बाहर निकलो दो मरतबा इस्लामाबाद गया हूँ वहाँ भी पंजाब की क्या नजर नहीं आई लाहौर गया था वहाँ भी मुझे कोई नजर नहीं आया और पंजाब की क्यादत भी गायब थी तो मादर ने अली बिन को तुर्की बुर्की जवाब दिया कि आप इल्जाम लगाए लगाएं आ, आप एहतजाज करें पंजाब से मैं खुद निकलूंगा तो अली बिन गडपुर ने जरा सख्त लहजे में कहा कि भाई आप पहले बाहर तो निकलो आप तो छुपे हुए हैं रुपोश हैं पंजाब में भी कोई हमें लीड करता हुआ नज़र नहीं आता पंजाब से लोग बाहर नहीं निकलते आ, के पी के हुकूमत बड़ी मुश्किल में है मेरे पार्लियामान के मेंबर गिरफ्तार हैं मैंने सूबे को भी चलाना है मैंने पार्टी को भी चलाना है तो हमारे ने कहा कि पहले तो आप अपने टोन ठीक करें अपना लहजा दुरुस्त करें आपकी गुफ्तु अंदाज सियासी अखलाक और तहजीब से होना चाहिए अगर अख्तलाफ है तो तजी का मेज़ अल्फाज मत इस्तेमाल करें ताने ना दें वरना मैं भी कह सकता हूँ कि आप भी वर्कर को छोड़कर डी चौक से भाग निकले थे जिस पर अलीमिन गंडापुर जो है वो उनके कान जो है वो शुरू हो गए और वो तप गए और वो अपनी सीट से खड़े हो गए और चूँकि हमारे नजर जो है वो जूम पर थे ऑनलाइन थे और अलीमिन गंडापुर जो है वो इजलास के दरमियान बैठे हुए थे तो वहाँ जो मौजूद लोग थे बैरिस्टर गौर वगैरह उन्होंने फिर लीमीन ग गंडापुर को पकड़ा और उनको ठंडा कराया लेकिन अलीमी गंडापुर ने हमदर को पश्तों में खरी खरी सुना दी है आ, जिसका तर्जमा किया जाए तो वो गालियाँ ही बनती हैं तो यहाँ पर तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर तुले हुए अब तरीके इंसाफ के अंदर चूँकि इमरान खान ने ख़ुद ये फ़ैसला लिया था कि सियासी कमेटी लैदा हो जाएगी और जो आ, लीगल कमेटी है वो लैदा हो जाएगी इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी है उसको उसके उदय से हटा दिया था वहाँ पर सलमान अक्रम राजा को लेकर आए थे और उमर यू को फारग कर दिया था आ, वो चेयरमैन भी बदलना चाहते थे तो अब जो जो सियासी कमेटी बन गई है फिर उसमें सियासी फैसले ही करने हैं तो पीटीए के अंदर से तीन से चार धड़े नुमाया है। एक सियासी कमेटी है जिसमें बैरिस्टर गौहर और आ, बाकी के कुछ लोग शामिल हैं जिनमें अलीमिन गंडापुर भी हैं जबकि एक वो लोग हैं जो सियासी कमेटी का हिस्सा है लेकिन वो हॉक्सिस है जो ज्यादातर बाहर बैठे हुए हैं जिनके नाम आपको पता ही है शहबाज गिल है या उसमें हमाद अजहर है या असलम इकबाल है या मुराद सईद है तीसरा ग्रुप जो है इमरान खान की बहनों का है इमरान खान की बहनें एक अलग ही लड़ाई लड़ रही हैं दो बहनें उनकी जेल में है तीसरी बहन उनसे मुलाकात के लिए धक्के खाती फिर रही है और आज उस्मा खा के बेटे ने भी अदालत के अंदर दरख्वास्त की कि उनकी वालदा को बाजियाब कराया जाए उस्मा ख़ा के बेटे का नाम शराज है आ, उस पर जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब से जवाब तलब कर लिया गया तो दूसरी तरफ जो है वो आ, जो टीप है वो इमरान खान की एक्स वाइफ है जमायमा और उनके बच्चे जमायमा ख़ान का भी आज एक बयान सामने आया वो भी चीखे मार रही हैं तो इमरान खान ने अपने गलत सियासी फैसलों की वजह से अपनी पार्टी को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया और जिस तरह ये धड़े बन चुके हैं इसके बाद इस तरह की लड़ाई जो है वो यानी मतों को थी तो अब बात करते हैं छब्बीसवीं आयनी तरमीम के हवाले से जिसके लिए दौड़े लग गई हैं इस्लाम से लेके यूरोप तक जो है वो टलियाँ खड़क गई हैं कि जो जहाँ पर है वो इस्लाम आबाद पहुँच जाए हुकूमत जो है वो अगले चौबीस से अड़तालीस घंटों में छब्बीसवीं आइनी तरमीम मंजूर कराने जा रही है कौमी असम्बली और सेंट के अजलास सत्रह अक्टूबर को तलब कर लिए गए हैं सोलह अक्टूबर को एस सी ओ कान्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फिर कौमी और सूबाई इसम्बली के अजलास हो गए काबीना का अजलास भी होगा जबकि सोलह को ही यानी जब शंघाई तावन तनजीम कॉन्फ्रेंस का अजलास जारी होगा उस दौरान ही जो है वो आइनी तरवीम पर पार्लियामेंट की खूसी कमेटी का अजलास भी बुला लिया गया लेकिन पी टी आई ने इसमें शिरकत से इनकार कर दिया वो वह कहते हैं कि इजलास जो है वो तमाम जमातों के मशावरों से सत्रह अक्टूबर को रखा गया था जिसके बाद जो है वो हमारी जो लीडरशिप है वो छुट्टियों पर चली गई है ज़ाहिर पंद्रह सोलह को कोई एहत तो करना ही नहीं था तो सत्रह को वापस आकर ये काम शुरू हो सकता था लेकिन लोग चले गए अपने अपने हलकों में तो शिरकत करना मुमकिन नहीं तो पी ने इनकार कर दिया मौलाना फजल रमान ने इस तरमीम के हवाले से आखिरी जो राउंड है वो शुरू कर दिया है वो मिले हैं बिलावल भट्टो से कराची में वो के दौरे पर गए हुए थे तो ऑबसली बिलावल भट्टो से उनकी मुलाकात बनती थी और पीपल पार्टी की तरफ से उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि मौलाना फजलरमान जो है वो तैयार है आईनी तरमीम के लिए बुध के रोज़ मौलाना फजल रमान लाहौर पहुँचेंगे और नवाज़ शरीफ से जाति उम्र में मुलाकात करेंगे वजराय कहते हैं कि मौलाना आईनी तरमीम के हवाले से कोई अहम ऐलान भी कर सकते हैं अब मौलाना फजलान जो है वो चुके इस पोजिशन में आ चुके हैं कि उन्होंने सारे घर जो है वो खुश भी रखे हुए हैं और अपनी बात भी वो कर रहे हैं पी टी आई भी समझती है कि मौलाना उनके साथ जाएंगे और आइनी तरमीम की मखालमत करेंगे हकूमत के लोग समझते हैं कि मौलाना उनके साथ जाएंगे और उनकी हमायत करेंगे मौलाना फजलान की अपनी ख्वाहिश क्या है आ, वो भी मैं आपको बताता हूँ तो आइनी तरमीम का मामला दो जगहों पर अटका हुआ है एक तो जैसे काजी ऐसा नहीं मान रहे दूसरा आला अस्करी हुकाम नहीं मान रहे काजी ऐसा साहब चाहते हैं पच्चीस अक्टूबर को रिटायर हों वो चले जाएँ और जैसे मैंने आपको बताया था कि वो बाहर जाने का इरादा रखते हैं एक तसीफ़र वाले कि उनका यूरोप का वीज़ा नहीं लगा वो उम्र पर जाएंगे और उसके बाद इस्तम जाएंगे जहाँ उनकी बहन है आज अलील हैं उनकी उन्होंने इयादत करनी है तो लेकिन बाहर जाने की वो तैयारी पूरी कर चुके हैं रफ़्तः सफ़र उन्होंने बांधा हुआ है तो हुकूमत जो है वो इसलिए थोड़ी सी जल्दी में आ गई है मुझे लगता है उन्होंने कहा कि कादिफाइस के जाने से पहले पहले काम निपटा लिए जाए उनको वो ताकतवर हल्के हुकूमत ये सब चाहते हैं कि उनको कंटिन्यू कराया जाए क्योंकि वो बहुत ही साइब आदमी है और इतना कीमती आदमी जो है वो सिस्टम से बाहर निकल जाए इसको सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता जो जस्टिस काजी फैसा का मुखालफ धड़ा है वो खामोश है सत्रह अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से केस भी लगा हुआ है अब जस्टिस कादीफ फाइसा के इनकार की सूरत में हुकूमत के पास ऑप्शन तो है वो किसी और जज को सुपरसीड कराकर चीफ जस्टिस बना दें लेकिन अक्सरियत का ख्याल ये है कि जस्टिस काजी फाइसा बहुत अपराइट जज है उन्हें जज रहना चाहिए चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े आइनी तरमीम करना पड़े किसी हद तक जाना पड़े ये मामला अब तक बड़ी आसानी से हल हो चुका था अगर मौला फजल आइनी तरमीम मंजूर करने में तावन का इशारा देकर अचानक अपनी पोजिशन तब्दील न कर लेते आपको याद होगा कि हुकूमत ने अचानक लोग बुलाए कौमी इसम्बली का अजलास भी हुआ और फिर तरवीम पेश करने की बातें भी हुई रात तक ये कार्रवाई जारी रही और फिर पता चला कि मौलाना फजल रमान नहीं मान रहे अब मौलाना फजल का प्रॉब्लम ये कि वो नाराज़ हैं वो मुस्लिम से भी नाराज़ हैं पीपल्स पार्टी से भी नाराज़ हैं पी टी ए से वो भी नाराज़ थे लेकिन अब उन्होंने हुकूमत से नाराज़गी की वजह से पी टी आई से हाथ मिला लिया ताकि हुकूमत की तरह आंखें खुलें पिछली जो दौर हुकूमत था उसमें तमाम इतिहादी थे लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो मौलाना फजलरहन उसमें से आ, वो कहते हैं जी मुझे मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया गया मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है इस्टेबलशमेंट ने नवाजशिफ से हाथ मिला लिया पीपल पार्टी को अकामोडेट कर लिया और आ, मुझे पूछा तक नहीं है तो इसलिए वो गुस्से में पी टी आई के साथ अपने उन्होंने बढ़ाए और वो भी देते जैसे पी टी ए के साथ हूँ और जो कुछ होगा पी टी ए को शामिल करने के बाद होगा अब उनकी जो असल मामला है वो ये है कि वो भी से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं और मौलाना फजलमान का शिकवा भी है कि स्टैब्लिशमेंट ने उनसे कभी बर रास्त जो है वो रहा नहीं रखा जो आखिरी रबता उनका हुआ था वो जनरल भाजपा के दौर में हुआ था और उससे पहले जब उन्होंने इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था और धरना लेकर इस्लामाद में बैठ गए थे और फिर उनसे फ़ौजी हुकाम की मुलाकात कराई गई उन्हें यकीन दिलाया गया कि इमरान खान को घर भेज दिया जाएगा आप जो है वो धरना लेकर घर चले जाएं तो बाद में पता चला कि उनको मामू बनाया गया था वो सारा फ्रॉड था सेटअप था तो ये बात तो मौर फजल रहमान के दिल पे लगी हुई है ना लेकिन अब उन्हें ये पता कि अगर सैवल उनसे मुलाकात नहीं करती या वो जितना भी दबाव डाल लें उनके नखरे नहीं उठाती इस आइनी तरमीम के हवाले से तो आखिरी उनके पास ऑप्शन ये कि वो आ फिर नवाज शरीफ के कहने पे मान जाएंगे या राहुल बल्टों के कहने पे मान जाएंगे लेकिन आखिरी वक्त तक वो ये ट्राई कर रहे हैं और आज की तारीख तक भी आ उनसे किसी जो है वो स्टेबलिशमेंट के बंदे ने मुलाकात नहीं की आ उनको इनडायरेक्टली पैगाम जा चुके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता अब जब से आर्मी चीफ आए हैं आसम मुनवीर साहब उन्होंने किसी भी सियासी रहनुमा से मुलाकात नहीं की ना खुफिया ना एलानिया ना ही डी कर रहे हैं ना जो डी जी आई सी हो चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम उन्होंने को मुलाकात की ना मौजूदा जो जनरल आसम मलिक है उन्होंने अभी तक किसी से मुलाकात की है और लेकिन उन्हें अंदाज़ा ये है कि वो स्टैब्लिशमेंट के मुखालफ नहीं जा सकते तो फजल फजलमान जो है वो उन्होंने दो ऑप्शन रखे हैं एक तो ये कि आखिरी हद हाँ तक वो जा रहे हैं कि उन, उनको इस्टेब्लिशमेंट ही कहे कि मौलाना आप आईनी तरमी के हक हाँ में वो डाल दें हम आपको अकोमोडेट कर लेंगे अकोमोडेट ना भी करें बस इतना कर देंगे आ, हम आपसे बर रास्त बात कर रहे हैं जो मामला होगा वो डायरेक्ट होगा पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें समझती हैं कि उनकी बका का वहाँ रास्ता स्टैबलिशमेंट के साथ अच्छे तल्लक हैं और ये माजी के तजरबात ने भी बताया है ये हाल के झटकों और सदमार ने भी बताया है आपके सामने ही सारा कुछ आ, पिछले कई इलेक्शन उठा के देख लें उसमें इस्टबलिशमेंट का क्या रोल रहा है तो अब मौलाना फजल रहमान को भी अगर आगे फ्यूचर में सियासत करनी है और उनके पास एक अच्छा मौका आया है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ रबते में आ जाए तो उसको क्यों ज़ाया करें तो मैं उनको इस मामले में कोई लालची नहीं समझता ये नहीं समझता कि वो गलत कर रहे हैं उनका ये हक है कि वो सियासी अपना दाव पेज इस्तेमाल करें इसीलिए उन्होंने अब जो यानी ये बिल्कुल बॉटम लाइन पर आ गई उनको बता दिया गया हुकूमत की जानव से कि मौलाना आप बता दें आप हमारे साथ हैं या आप हमारे मुखालिफ हैं तो उन्होंने इतने दिनों से जो सबको बच्चे देने का सिलसिला जारी रखा हुआ था आ, वो अब मेरा ख़्याल है उनको भी अंदाज़ा हो गया कि उनकी बात नहीं बनेगी तो बेहतर है कि आ, जो हुकूमत के लोग हैं यानी नवाज शरीफ से क्यों बिगाड़ी जाए जरदारी साहब से क्यों बिगाड़ी जाए बिलाउल को भी जब भी डाल लिए कल नवाज शरीफ को भी डाल लेंगे और अपने जलसों जुलूसों में वो कह रहे हैं कि जो मैंने कहा था बस वो होगा और कोई नहीं होगा तो वो जलसों की बात होती है हर लीडर को आके जलसे के अंदर अपनी बड़ाई बयान करे तभी तो उनके जो कारन है वो मोटिवेट हो गए तो अब वो चाहते ये थे कि सैविल से बात करें लेकिन वो ये कोई जवाब नहीं है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो अब आखिरी राउंड इसीलिए जो है वो मुलाकातों का शुरू कर दिया उन्होंने और हुकूमत को उन्होंने सिग्नल दे दिया कि थी बस हो गई जनाब ठीक है आप ले आए हम आपका साथ देंगे इसके अलावा शंघाई तावन तरजीम का तेईसवा दो रोज़ा सरबराही इजलास हो रहा है तैयारियां मुकम्मल हैं मंगल के रोज तमाम सरबराहान को इशाया दिया और अहम बात जो थी वो भारतीय वजे खारजा के साथ प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात थी जय शंकर ने उनसे हाथ मिलाया मुस्कुराहटों का तबादला हुआ और इतना ही दो मुल्कों के दरमियान तल्लु के हवाले से बहुत पॉजिटिव उसको देखा जा रहा है दोनों मुल्कों में जो टेंशन है वो थोड़ी सी कम हुई होगी अब बुध के रोज़ ये कॉन्फ्रेंस होगी और सुबह नौ बजे से लेके शाम तक ये सिलसिला चलेगा और शंघाई तावन तंजीम के रकन ममालिक हैं वो मीशत तजारत मालियात समाजी और याफती रवाबत के शुबों में जो रबते हैं और ताउन है या माहे हैं उन पर बात करेंगे इसके अलावा टिकटॉक ने पाकिस्तान में कम्युनिटी गाइड की खिलाफवर्जी पर पाकिस्तानियों की तीन करोड़ वीडियो डिलीट कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक ने टोटल जो है वो 144 मिलियन यानी साढ़े चौदह करोड़ वीडियोस को ऑटोमेशन के ज़रिए डिलीट किया है और पाकिस्तान में निन्यानवे इशारिया पाँच फ़ीसद वीडियो सार्फिन की रिपोर्टिंग से पहले ही हटा दी गई हैं यानी ऐसी वीडियो जो मतनाज़ा होती हैं जिन में कोई गैर अखलाक मवाद होता है वो आटोमेटिक तरीके से खुद ही अपलोड होने के बाद डिलीट हो गई हैं शिकायत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी टिकट ने सतानवे फ़ीसद वीडियो को 24 घंटों के अंदर अंदर प्लेटफॉर्म से ग़ायब कर दिया है तीन करोड़ वीडियो कम नहीं होती जिन्होंने तीन करोड़ वीडियो बनाने के लिए जान जोखिम में डाली होगी लेकिन उन्होंने कम्यूनिटी गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी की है तो उनकी जो मेहनत है वो उन्होंने खु खाते में डाल दिए इसके अलावा ख़बर ये कि सीनियर साफ़ी और तजयनगार अंसार बासी की यूट्यूब से कमाई का सिलसिला बंद हो गया और उसकी वजह जो है वो डॉक्टर जाकर नाइक बने हैं अनसारबाजी साहब ने ख़ुद एक वीलाग में बताया है कि डॉक्टर जाकर नाइक ने यह फ़तवा दिया है कि यूट्यूब की कमाई जो है वो हराम है जिसके बाद जो है उन्होंने और भी उल्मा कराम से मशावरत की आ, तो उनको ये लगा कि उनको अपने चैनल को डीमोनेटाइज कर देना चाहिए अब चैनल अगर मोनेटाइज हो तो आपको रेवेन्यू आता है पैसे आते हैं और अगर मोनेटाइज ना हो तो फिर लोग फ्री फंड में देखते हैं आपको पैसे भी कुछ नहीं आते वजह उन्होंने बताई कि चैनल के ऊपर जो इश्तहार चलते हैं आपको नहीं पता होता वो किस किस्म के इश्तहार चलते हैं आ, आपका इश्तारा पर कंट्रोल नहीं है जिस किस्म के इश्तार यूट्यूब पर आते हैं इस्लामी नुक़ नज़र से वो हराम है आप वो नहीं दे सकते ना इसका मुनाफा ले सकते हैं अगर आप यूट्यूब से मुनाफा लेते हैं तो ये हलाल कमाई नहीं होगी अब पता नहीं इसके बारे में आ, उल्मा क़राम के पास क्या साइंटिफिक रीज़न है या डेटा है आ, तो इस तरह तो फिर आपको हमारा चैन, चैनल टी वी चैनल मीडिया चैनल ये तमाम जो कमाइयाँ हराम हो जाएंगी और अमूमा जो न्यूज़ चैनल होते हैं उनके ऊपर न्यूडिटी के कोई भी इश्तहार नहीं होते ऐसा नहीं होता कि इसके ऊपर कोई ऐसे इश्तहार चले कि मायूब इश्तहार होंसार बाजी साहब का अपना अपनी कन्विक्शन है उन्होंने जाकर नाइक की बात को अहमियत दी है और समझते हैं कि आ, उनकी कमाई जायज़ नहीं है तो उन्होंने इसको खैर बात कह दिया अब अगली उनकी जो नौकरी है जियो के अंदर उसके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन हैं आ, के जियो पे भी बहुत सारे ऐसे इश्तहार चलते हैं जो कि गैर अखलाक़ी कहें या गैर शरी तो होते ही है गैर अखलाक ना भी हों तो उनकी कमाई से भी जो तरह आती होगी साहब की क्या वो उनके लिए हलाल है या मेरे नज़दीक तो यूट्यूब पर जो लोग काम करते हैं वो मेहनत करके करते हैं लेकिन बहरहाल इस पर मैं आ, आपकी राय भी जानना चाहूँगा कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं अब आखिरी खबर जो है वो इसके अलावा लाहौर में एक तलबा से पंजाब कॉलेज में जो मुबैना तौर पर ज्यादती हुई उसके बाद पंजाब के मुख्तु कॉलेज़ में उसका रिएक्शन देखने में आ रहा है मंगल को तो बड़ा ह्यूज ऐतजाज हुआ बहुत सारे कॉलेज़ के स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटियों के लोग उन्होंने एहताज किया सड़कें बंद किं और उन्होंने हकीक़ी आज़ादी के नारे लगाए आज़ादी हमें क्या चाहिए आज़ादी चाहिए अब इन तलबा का आज़ादी के नारे लगाना जो है वो इस बात की तरफ़ इशारा करता है कि ये पोलिटिकल मोटिवेटेड मुजाहरे हो रहे हैं आ, क्योंकि अगर किसी तलबा से ज़्यादी हुई है तो फिर उसके मुलज़मान की गिरफ़्तारी का मुतालबा होना चाहिए आ, उसके लिए तहक़ात का मुतालबा होना चाहिए आ, उसके लिए कोई डेडलाइन होनी चाहिए कि इतनी देर में ये मुलज़म गिरफ़्तार होने चाहिए या कोई रिपोर्ट जो है वो सामने लाई जानी चाहिए और ख़ास इस वाक़े में जिस बच्ची के साथ ज़्यादाती हुई है वो अभी तक किसी को नहीं पता वो कौन है कहाँ है एक पुलिस ने वीडियो जारी की कि उनके चचा है उनके वालद है और उनके होलिये देखने के बाद तो नहीं लगता था कि उनके वालद और चचा क्योंकि कटिंग जो थी वो ऑफिशियल कटिंग थी अगर आप गौर करेंगे तो पंजाब हुकूमत को इस बात का शुबा है और बहुत से लोग इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये एक प्लान्ट वाक़ है उस तो वाक्य में पीटीए की रहनमा जरताज गुल की बहन शबनम गुल का भी नाम आ रहा है उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने आ, इनको प्रवोक किया अब जो शबरम गुल हैं वो लाहौर यूनिवर्सिटी फॉर वूमेन में इंटरनेशनल अफेयर की प्रोफेसर हैं पढ़ाती हैं और वहाँ जो हरासमेंट डिपार्टमेंट है उसकी वो हेड है और ये वाक़ और पंजाब कॉलेज का वाक़ अलग अलग वाक़ है लाहौर यूनिवर्सिटी में एक तलबा को हरासा किया गया था कलर की जानब से और वहाँ जो तालबा ने एहताज किया उसको आ, उस मामले को वो शबरम गेल देख रही थी लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के जराए हैं जो हुकूमती जराए हैं सरकारी जराए वो कह रहे कि ये आ उनका बड़ा रोल है तालबात को प्रवोक करने में बाहर निकलने में मुजाहरे कराने में अबल आलम के इनका क्या इसमें मामला है क्योंकि पंजाब कॉलेज का मामला लेदा है जो लाहौर कॉलेज कहता है वहाँ पर जो ताल, तालबा से जाती हुई है आ, वो मामला बहुत ही यानी मशकोक सा लगता है पंजाब पुलिस ने तो कह दिया कि किसी के पास मालूम हो तो हमें वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में दें आ, वन फाइव पर कॉल कर दें या वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए हमें आ, जो है वो आप इंफॉर्म कर सकते हैं नाम सीधा राज में रखा जाएगा जबकि एफ़ आई ए .E. ने आ, सोशल मीडिया पर गलत मालूम फैलाने वाले नासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में सात रुकनी टीम तश्किल दी गई है अब इसमें जो हम बात यह कि ये जो एफ आई ने टीम बनाई है ये कॉलेज प्रिंसिपल की दरख्वास पर बनाई है जो खातून प्रिंसिपल हैं उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत मालूम फैलाई जा रही है तो उसके हवाले से एफ आई ए ने साइबर क्राइम के तहत जो है वो दरख्वास ट्रीट की है और एक कमेटी बना दी है ने भी आ, इस मामले में एक कमेटी बनाई है आ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब एहती कमेटी के कन्वीनर मुकर किए गए हैं उनसे अड़तालीस घंटों में वज पंजाब ने रिपोर्ट मांगी है अब इसमें तीन चार इदारे इन्वॉल्व हो गए पंजाब यूनिवर्सिटी में किसी तलबा ने खुदकुशी की है आ, उसके वालदेन का भी एक स्टेटमेंट जो है वो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपनी बच्ची की मौत को जो है वो खुदकुशी करार दिया है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन और पंजाब कॉलेज ये तीन चार तलीमी इदारों में बेक वक़्त जो है वो तालबात के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ है कि जिससे लाहौर में जो है वो आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है तो अब इसकी तहकियात की जा रही है तो अब दो तहकियाती कमेटियाँ जो है इस वाक़े की तहक़ात कर रही हैं इसके अलावा अलीमा ख़ाना ख़ान के ख़िलाफ़ मुकदमात की तफसीत के लिए दरख्वास पर आई जी पंजाब को तलब कर लिया गया है और अलीम् ख़ा के बेटे शराज ख़ान की दरख्वा पर अदालत ने हुक्म दिया तमाम मुकदमा की तफसी जमा कराई जाए उस्मा ख़ान और लिमाहा इस्लाम आबाद में दर्ज मुकदमे में जिसमानी रिमांड पर हैं और उनकी जो फैमिली है वो ख़दशा जाहिर कर रही है कि ये रिमांड ख़त्म होने के बाद उनको दोबारा गिरफ़्तार किया जा सकता है तो इसलिए उन्होंने अदालत में दरख्वास दी कि ये हमें बताया जाए कि उनके खिलाफ कहीं और कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है तो अब तक के लिए इतना ही आपसे मुलाकात होती है अगले भी लॉग में अपना गिर्दोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा